हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, उसका रीजन क्या है, देखो ये इस बार है ना बहुत गंदी खिचड़ी बना रखी है कि ये वाला टॉपिक पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है, ये वाला नई एनसीईआरटी से पढ़ना है, और जो दोनों में ही नहीं है फिर भी सिलेबस में है वो बाहर से पढ़ना है, तो बहुत ही है ना अजीब सा काम कर रखा है। अब जैसे इस चैप्टर की बात कर लें तो भाई अपने को ये तो पढ़ना ही है, एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं, फ्रॉग पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है, ये अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, अर्थवर्म अपने को नहीं पढ़ना है। और फ्रॉग और कॉकरोच की लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, मैंने फ्रॉग का वन शॉट 30 मिनट का बहुत अच्छा लेक्चर डाला था जिसमें पूरी एनसीईआरटी कवर की गई थी, और कॉकरोच का भी वन शॉट मैंने डाला था, तो वो आप मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डलवा दूंगा, तो वो आप वहां से देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एनिमल टिश्यू कवर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू। देखो एनिमल टिश्यू की बात करें तो 4 टाइप का एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। अब न्यूरल टिश्यू को हम नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, मस्कुलर को मसल वाले में पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पे एपिथेलियल की बात करनी है और कनेक्टिव की बात करनी है। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये 2 टाइप का हो सकता है, सिंपल कंपाउंड। सिंपल में क्या रहेगा, जो सेल्स की लेयर रहेगी वो सिंगल लेयर रहेगी, कंपाउंड में देखो मल्टी लेयर ये हो गया है। अब सिंपल एपिथीलियम के बारे में बात करें तो ये 3 तरीके का हो सकता है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमनार। इनकी सेल कैसी है, देखो स्क्वेमस में बिल्कुल कैसी फ्लैट सेल अपने को दिखाई दे रही है, और क्यूबॉइडल नाम में यार है क्यूब और देखने में पता लग रहा है क्यूब लाइक सेल इसमें दिखाई दे रही है, और कोल्यूमनार में कॉलम जैसी, देखो एक कॉलम दो कॉलम है ना, कॉलम जैसी टॉल सेल है, लंबी सेल है, सिलेंडर है ना, और इनका न्यूक्लियस जो दिखाई दे रहा है वो बेस पे दिखाई दे रहा है, देखो इनका बीच में इनका बेस पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो सेल का फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन कहां कहां पे होता है अपनी बॉडी में, देखो अपनी जो ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल में गैसेस का है ना, गैसेस का हम सांस लेते हैं, वो एल्वियोलाई के पास जो अपनी ब्लड वेसल होती हैं उनके थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन होता है, तो ब्लड वेसल एंडोथेलियम में पाई जाएगी, और कहां एल्वियोलाई में एयर सैक्स ऑफ लंग वहां पे भी गैसेस का डिफ्यूजन होता है, तो जहां डिफ्यूजन होगी वहां ये अब पाई जाएगी। क्यूबॉइडल और कोल्यूमनार का फंक्शन क्या होता है, दोनों का सिक्रीशन प्लस अब्सॉर्प्शन याद रखना, और एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, क्यूबॉइडल होगी यूरिनरी ट्रैक में, कोल्यूमनार होगी डाइजेस्टिव ट्रैक में। यूरिनरी में मतलब अपने को ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन याद आ जाएगा, और ये स्टमक इंटेस्टाइन यानी डाइजेस्टिव में है, इसका एक डक्ट ऑफ ग्लैंड भी अपने को याद रखना है, ठीक है। यहां पर याद रखना दोनों का फंक्शन क्या है, सिक्रीशन प्लस अब्सॉर्प्शन, और इसका डिफ्यूजन है, और लोकेशन के हिसाब से कर दो इसको यूरिनरी ट्रैक में, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है। अब देखो यहां पर बात की जा रही है सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होती है, देखो स्क्वेमस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइडल की एंड कोल्यूमनार की। तो अगर क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमनार के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो तो उनको सिलिएटेड एपिथेलियम बोल देंगे। अब ये कहां होगी, तो इसको याद करने से अच्छा है लॉजिक लगा लो। देखो सीलिया का फंक्शन क्या होगा, यहां पे कोई पार्टिकल है या कोई म्यूकस है, कुछ भी है, तो ये सीलिया ऐसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे, और इसे फ्लूइड है या पार्टिकल है इसकी मूवमेंट कराएंगे। अब ब्रोंकियोल्स के अंदर होगी, अब देखो हमारे सांस के साथ कुछ फॉरेन पार्टिकल चले गए तो उनकी मूवमेंट ऐसे करा के बाहर निकालना है, जो भी है हमारे वहां पे फ्लूइड होगा ब्रोंकियोल्स में, उसकी मूवमेंट करानी है तो वहां पे सीलिया प्रेजेंट होगी। फेलोपियन ट्यूब में सिक्रीशंस होती हैं, ओवा है ना, ओवा की प्रोडक्शन होती है, एग बनता है, तो उसकी मूवमेंट करानी है, तो सीलिया वहां पे है ना नेचुरल सी बात है होनी ही चाहिए, ठीक है। अब इन्हीं की बात कर रहे हैं हम, क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमनार की बात कर रहे हैं। क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमनार अगर स्पेशलाइज्ड हो जाए किसके लिए, सिक्रीशन के लिए, तो सिक्रीशन कौन करता है, ग्लैंड करता है, तो इनको बोल देंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बनी है, उसके एग्जांपल क्या है, गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनल। मल्टी सेलुलर मतलब क्लस्टर, क्लस्टर मतलब गुच्छा बन गया है सेल का ना, ऑटोमेटिकली गुच्छा, तो मल्टी सेलुलर ही होगा, जो सलाइवरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब सिंपल एपिथेलियम हमने देख ली थी जिसमें हमने स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमनार को देखा, अब हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करने वाले हैं। हम ये बात कर चुके हैं कि इसमें एक से ज्यादा लेयर होती है, मल्टी लेयर होती है, और ये क्या देखो मल्टी लेयर है, मोटी लेयर है, तो ऐसे याद रखना मतलब प्रोटेक्शन के लिए है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस कहां पाई जाएगी, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट में ये पाई जाएगी। सेल जंक्शन की बात करें तो टाइट जंक्शन, एदरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, इसको याद कैसे करेंगे, देखो टी ली,
टी ली है ना, टी ली मतलब चाय पी, तो टी ली एल ई ए ये याद आ जाएगा अपने को लीकिंग से। अंबुजा ए फॉर अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट एदरिंग मतलब सीमेंटिंग, और गैप है किसी चीज में गैप है, फॉर एग्जांपल ये दीवार थी और इसमें यहां पर ये गैप आ गया है ना, ये दीवार थी यहां पर गैप आ गया, गैप क्यों आ गया क्योंकि यहां से चीजों का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इधर से उधर मूव कर सकती है, तो आयंस का मोलिक्यूल्स का गैप से ट्रांसफर होता है, मेनली छोटे मोलिक्यूल का, बट समटाइम्स कुछ बारी में बड़े मोलिक्यूल का भी हो सकता है, बट मेनली छोटे मॉलिक्यूल्स का होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू के बाद अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये इसका सुपर हिट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसका आंसर है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो इसमें सिर्फ अगर ब्लड को छोड़ दें, कनेक्टिव टिश्यू में अगर सिर्फ ब्लड की एक्सेप्शन है, बाकी के सारे कनेक्टिव टिश्यू क्या है, फाइबर सिक्रीट करते हैं, फाइबर है ना, किससे बनेंगे, प्रोटीन के बने होंगे, कौन से, कोलेजन इलास्टिन। अब देखो कोलेजन है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, इलास्टिन नाम ही आ रहा है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम कनेक्टिव टिश्यू में कितने टाइप के होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप से इसकी डिवीजन है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज में आ जाएंगे एरियोलर एडिपोज, डेंस में आ जाएंगे रेगुलर इररेगुलर, स्पेशलाइज्ड में ब्लड बोन कार्टिलेज। अब देखो ब्लड के बारे में तो हम जो ब्लड वाला चैप्टर आएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। अब बारी बारी से बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, लूज में अपना क्या क्या आ रहा था, एरियोलर एंड एडिपोज, है ना। तो लूज में नाम से ही पता लग रहा है, लूज मतलब इसमें सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, वो लूजली अरेंज्ड हैं और इनका ग्राउंड सब्सटेंस कैसा है, सेमी फ्लूइड है। तो एरियोलर और एडिपोज दोनों ही स्किन के नीचे होते हैं, बीनीथ द स्किन, बस फर्क क्या आपको याद रखना है कि एडिपोज जो होता है इसमें सुपर हिट क्वेश्चन क्या है कि फैट स्टोरेज के लिए होता है, मतलब जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो अपने काम अभी नहीं आ रहे हैं ना, एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो उनको फैट के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। तो लूज के बाद डेंस की बात करें तो इसमें रेगुलर होंगे, इररेगुलर होंगे। रेगुलर मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे, देखो फॉर एग्जांपल कोई चीज ऐसे अरेंज्ड है, मतलब रेगुलरली अरेंज्ड है, और इररेगुलर मतलब देखो कोई चीज ऐसे अरेंज्ड है ना कि डायरेक्शन ही नहीं पता चल रही अपने को, इररेगुलर सी है, तो ये इररेगुलर होंगे। रेगुलर में आएंगे टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या करते हैं, मसल से बोन को जोड़ते हैं, और लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ते हैं, ठीक है। और ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, स्किन रीजन में प्रेजेंट होंगे। अब कार्टिलेज एंड बोन की बात कर लेते हैं। देखो कार्टिलेज कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, प्लायबल, प्लायबल मतलब फॉर एग्जांपल रबड़ है ना, आप जिससे मिटाते हो पेंसिल का, वो आप उसको दबाओगे तो वो दब जाएगी, है ना, प्लायबल है, दब जाएगी, ठीक है। और सेल क्या है, कोंड्रोसाइट्स होते हैं, और ये सेल उसके बोन के भी कंपैरिजन में करके चलो कि इसमें कोंड्रोसाइट है, उसमें कौन सी होती है, ऑस्टियोसाइट होती है, वो मैं आगे बताऊंगा भी, ठीक है। तो क्या होता है, मोस्टली एम्ब्रियो में कार्टिलेज होता है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, एडल्ट बनता है, तो उसका वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होता चला जाता है। कहां कहां प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट में, और बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट होता है, लिम्स में, हैंड्स में। कोंड्रोब्लास्ट कौन सी सेल होती है जो ना कार्टिलेज को बनाने में मदद करती है। अब कार्टिलेज के बाद बोन की बात करें तो जैसे ग्राउंड सब्सटेंसेस में हार्ड होगा बोन, भाई हार्ड होती है हड्डी, और नॉन प्लायबल मतलब हड्डी को अगर आप ऐसे दबाओगे तो वो रबड़ की तरह नहीं दबेगी, और इसमें भाई रिच इन कैल्शियम एंड कोलेजन, ये अपने को बताइए भाई हड्डियों में कैल्शियम होता है। बोन सेल इसमें क्या है, ऑस्टियोसाइट, और कार्टिलेज में क्या थी, कोंड्रोसाइट थी, ठीक है। अब ऑस्टियोसाइट कहां प्रेजेंट होती है, एक स्पेस में प्रेजेंट होती है जिसको लैक्यूनी बोला जाता है, तो बोन मैरो है ना, लॉन्ग बोन जो होती है उनमें बोन मैरो होता है जहां पे ब्लड की प्रोडक्शन होती है, ये सबको पता ही है, और ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बॉडी को प्रोवाइड करती है, ये भी इसमें कुछ याद करने का है नहीं, ठीक है। तो ये था अपना एनिमल टिश्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक यू, धन्यवाद।